हो सकता है आपने अपने अगल बगल या फिर अपने रिलेटिव में या फिर कहीं भी कुछ ऐसे लोगों को देखा होगा जो कि कुछ ही महीनों में, कुछ सालों में बहुत ज़्यादा आगे निकल गए हैं, बहुत अच्छी खासी कमाई करने लगे हैं, उनकी लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा बदल गई है। और पता करने पर आपको पता चला होगा कि वो ट्रांसपोर्ट का कोई काम करते हैं या फिर कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं। एक्चुअली ये सच है कि इस काम में बहुत ज़्यादा कमाई होती है, क्योंकि इसमें सारा का सारा प्रॉफिट ही होता है, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होता है। अक्सर किसी भी बिजनेस में आपको इन्वेस्टमेंट भी करना होता है और बार बार करना होता है, इसीलिए कमाई कम रह जाती है। लेकिन इस तरह के काम में आपका कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होता है और कभी भी नहीं होता है, और जितने भी पैसे मिलते हैं सारी की सारी प्रॉफिट ही होती है। अगर आप सच में सीरियस हैं पैसा कमाने को लेकर या फिर कोई नया काम करने की सोच रहे हैं, तो एक बार इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, क्योंकि सब कुछ बताने वाला हूँ जेन्यून तरीके से आपको, कैसे करना है, क्या करना है, पहले ही दिन से आपकी कमाई कैसे होने वाली है, वो भी आपकी जेब से बिना एक पैसा लगाए हुए। आपको एक पैसा भी नहीं लगाना है और आपको पहले दिन से ही काम मिलेगा, आपकी कमाई होगी। देखिए, जब तक धरती पर लोग हैं, लोगों की ज़रूरतें हैं, और जब तक लोगों की ज़रूरतें हैं तब तक उद्योग धंधे हैं, व्यापार हैं, दुकानें हैं, और जब तक ये सभी हैं तब तक कभी भी ट्रांसपोर्ट का काम रुकने वाला नहीं है, इवन आए दिन और लगातार बढ़ते ही रहना है। तो देखिए, सबसे पहले समझ लेते हैं कि कॉन्सेप्ट क्या है, किस तरह से ये काम होता है, आपको उसमें काम कैसे मिलेगा, आपको उसमें पैसे कैसे मिलेंगे। तो देखिए, यहाँ पर क्या होता है, दो एंड्स होते हैं ट्रांसपोर्ट में। एक होता है फ्लीट ओनर का, यानी कि गाड़ी मालिक का, जिनको माल चाहिए होता है, या यूं कह लीजिए लोड चाहिए होता है उनको अपनी गाड़ियां लगाने के लिए। उनके पास गाड़ी है, उनको माल चाहिए ताकि वो अपनी गाड़ी को, किसी माल को लेकर के किसी शहर से दूसरे शहर में भेज सकें, जिससे उनकी कमाई होती है। दूसरे एंड पे वो लोग होते हैं जिनके पास माल होता है, लोड बेयरर कह लीजिए। ये कौन से लोग होते हैं, जैसे इंडस्ट्रीज हो गई, या फिर कोई किसान है उसको अपनी कोई फसल कहीं भिजवानी है, या फिर कई बार घरों की शिफ्टिंग में, मतलब आप सोच भी नहीं सकते हैं कि हर जगह ट्रांसपोर्ट का यूज़ होता है। आपके घर में कोई छोटा सा सामान आया है तो ज़रूर वो गाड़ियों से गुजरता हुआ किसी शहर से जहाँ पे उसका उत्पादन हो रहा है वहाँ से होकर के आया हुआ है। तो देखिए, आपका काम कैसे होना है, आपको क्या काम करना है। होता क्या है, जो फ्लीट ओनर हैं, ट्रक मालिक हैं, ये एक्चुअली में इन्वेस्टर्स होते हैं, यानी कि ये काम तो कुछ और करते हैं, इनके पास पैसे होते हैं इसलिए वो पैसे को इन्वेस्ट करते हैं गाड़ियाँ खरीदने में, और गाड़ियों को चलवाते हैं, उनसे कमाई करते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि ये कुछ और काम करते हैं, इनके पास समय नहीं होता है, लेकिन इनको अपनी गाड़ियाँ मार्केट में चलवानी होती हैं, और ये मार्केट में बैठ करके लोड्स नहीं ढूंढ सकते हैं। और जो लोड बेयरर्स होते हैं, सेम प्रॉब्लम उनके साथ भी होती है, वो अपने प्रोडक्ट बनाने में बिजी होते हैं, वो भी ये काम नहीं कर सकते हैं कि वो गाड़ियों को ढूंढते फिरें। तो इसीलिए यहाँ पर बीच में एक मीडिएटर की ज़रूरत पड़ती है, जिसको बोलते हैं ट्रांसपोर्टर, या फिर ब्रोकर, या फिर कई बार कमीशन एजेंट भी बोला जाता है। तो ये जो ट्रांसपोर्टर, ब्रोकर या कमीशन एजेंट हैं, इनका काम क्या होता है कि ये ट्रक मालिक को लोड्स देंगे, लोड बेयरर्स से लेकर के, लोड बेयरर्स से लोड लेंगे, ट्रक मालिक को लोड देंगे, और वहाँ पर जो भी होता है पैसा जो लोड बेयरर दे रहा है उसमें क्या होता है, इनको एक 4% का कमीशन मिलता है। मतलब मान लीजिए कोई माल लखनऊ से मुंबई तक भेजना है, और अगर 60,000 उसका रेट है, जो जितना भी माल है तो उसके लिए 60,000 है, तो 4% यानी कि 2400, 2400 रुपये इनका क्या हुआ, कमीशन हो गया। लेकिन सच कहूँ तो इस कमीशन पर कोई भी ब्रोकर या ट्रांसपोर्टर काम नहीं करता है, क्योंकि देखिए लोड उसने लोड बेयरर से लिया है और उसको गाड़ी मालिक से खुद बात करके डील फाइनल करनी है। तो वो करता क्या है कि 60,000 का माल 50 या 55,000 में बात करने की कोशिश करता है, और अगर डील फाइनल होती है तो वहाँ पर उसको 5 या 10,000 एक्स्ट्रा प्रॉफिट मिल जाता है। मान लीजिए उसने 50,000 पे डील फाइनल की है तो 10,000 वहाँ पर उसका बच गया, और 4% यानी कि 2,000 रुपये, यानी कि 12,000 रुपये अगर उसकी डील फाइनल हुई तो उसको मिल गया। कई बार हाँ रेट कम है, मान लीजिए मार्जिन ज़्यादा नहीं मिल पा रही है, तो 4% तो कहीं नहीं गया, वो तो आपका लीगली रखा ही हुआ है। तो इसी तरह से यहाँ पर काम होता है, इसीलिए देखिए आप समझ गए होंगे कि प्रॉफिट इसमें 100% है, जो भी आपका, चाहे कमीशन वाला 4% हुआ या फिर आपने और भी मार्जिन अगर डील करके निकाल ली है, तो आपका पूरा का पूरा प्रॉफिट ही है, आपका उसमें कुछ भी नहीं लगने वाला है, क्योंकि आपने बस मीडिएटर बन करके पैसे कमाए हैं। अच्छा, एक चीज़ और है, यहाँ पर और ज़्यादा प्रॉफिट कैसे होती है, जैसे देखिए लखनऊ से गाड़ी गई है माल लेकर के मुंबई के लिए, अब अगर लौटते वक्त उस गाड़ी मालिक के पास लोड नहीं है, नहीं मिल रहा है,
तो वहाँ पर क्या करता है, वो और भी कॉम्प्रोमाइज़ करता है लौटते के टाइम पे। वो सोचता है डीजल का खर्चा निकल आए, ड्राइवर का एक्सपेंस मिल जाए और भी जो एक्सपेंसेस हैं वो सारे मिल जाए, तो मुझे किसी तरह से बस अपना एक्सपेंस निकल जाए, मैं लौट आऊँ। तो जो माल वो 60,000 में लेकर के या 50,000 में लेकर के गया होता है, वो लौटते वक्त 40,000 या 35,000 में भी लाने को तैयार हो जाता है। तो वहाँ पर क्या होता है, कमीशन एजेंट यानी जो आप काम करने जा रहे हैं ट्रांसपोर्टर का या ब्रोकर का कह लीजिए, उसमें आपको और भी ज़्यादा यहाँ पर फ़ायदा हो जाता है। रिटर्न ट्रिप में अक्सर इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं और आपको और हाई प्रॉफिट हो जाता है। तो ये तो रहा कॉन्सेप्ट की कैसे काम होता है। एक सवाल ज़रूर आपके मन में आ रहा होगा कि बहुत सारे मार्केट में ट्रांसपोर्टर हैं, बहुत सारे लोग ये काम कर रहे हैं और मैं तो किसी को जानता नहीं हूँ, मुझे गाड़ियाँ कैसे मिलेंगी, मुझे लोड्स कैसे मिलेंगे। तो देखिए बिल्कुल मिलेगा और पहले दिन से मिलेगा। कैसे मिलेगा, देखिए टेक्नोलॉजी का ज़माना है और आपको उसी को यूज़ करना है। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपके पास एक स्मार्टफोन ज़रूर है। तो देखिए आजकल बहुत सारे ऐसे ऐप्स होते हैं, जैसे कि कुछ फेमस ऐप्स हैं, जैसे कि एक ऐप है वाहक, आप देख सकते हैं 10 लाख से ज़्यादा डाउनलोड्स हैं प्ले स्टोर पर, बहुत अच्छी खासी रेटिंग भी है, काफ़ी फेमस ऐप है, आप इसका भी यूज़ कर सकते हैं। और भी बहुत सारे और कई सारे ऐप्स हैं, जैसे कि बॉस हो गया ट्रांसपोर्टर ब्लैकबक का, या और भी आप पता कर सकते हैं कि इस तरह के ऐप्स क्या हैं। आप जाकर के वहाँ पर जब डाउनलोड करने जाएंगे वाहक का ही सर्च करेंगे तो नीचे आपको ढेर सारे दिखाने लगेगा, तो आप यूज़ कर सकते हैं। हाँ ये है कि कुछ ऐप्स क्या है कि फ्री हैं और कुछ पेड हैं। तो शुरू में आपको पेड किसी भी ऐप का पेड वर्जन नहीं यूज़ करना है। वाहक काफ़ी अच्छा ऐप है, आप इसे भी यूज़ कर सकते हैं, अक्सर ट्रांसपोर्टर इसे यूज़ करते हैं। आप पहले शुरू में फ्री वर्जन वाले ऐप्स को यूज़ कीजिए और इनसे काम होता है, काफ़ी सारी गाड़ियाँ लगती हैं, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आपको पेड़ के पीछे नहीं भागना है। फ्री वर्जन वाले ऐप ही काम करते हैं, जिनमें भी आपको फ्री वर्जन वाला जिस भी ऐप में मिले आप उसी को यूज़ करिए। तो आइए आप समझ लेते हैं कि इन ऐप से काम कैसे होता है। देखिए जो भी ऐप्स हैं, वाहक हो गया, बॉस ट्रांसपोर्टर हो गया या और भी इस तरह के ऐप्स हो गए, ये क्या होते हैं, दो एंड से काम करते हैं। उसी कंपनी का ऐप दोनों के लिए होता है, या तो दो अलग अलग ऐप्स होते हैं या फिर उसी ऐप में एक गाड़ी मालिक के लिए होता है और एक आपके जैसे लोड बेयरर्स या फिर कमीशन एजेंट कह लीजिए, ट्रांसपोर्टर कह लीजिए, उनके लिए होता है। तो काम कैसे होता है, जैसे देखिए आपको कोई लोड मिला है, कोई माल मिला है, उसको लखनऊ से मुंबई पहुँचाना है, तो आपको क्या करना है, ऐप को अपने ओपन करना है। ऐप में आपको पहले पूछेगा कि लोडिंग पॉइंट क्या है, मतलब कहाँ से माल आपका उठना है, कहाँ से वो गाड़ी में भरेगा, वो आपको डालना है, जैसे कि आपने लखनऊ डाल दिया, कहाँ पे जाना है, आपने मुंबई डाल दिया। उसके बाद बहुत सारी डिटेल्स होती हैं, जैसे कि कितने टन का माल है, क्या माल है, अगर आप बताना चाहें तो वो भी बता सकते हैं, कोई ऐसी ज़रूरी नहीं होता है, लेकिन आप अगर बताना चाहेंगे फिर आप ये बता सकते हैं कि आपको किस तरह की गाड़ियाँ चाहिए, मतलब किस तरह के ट्रक में वो माल जा सकता है, आप ये बता सकते हैं कि आपका माल किस डेट में उठ सकता है, तो इसी तरह की उसमें डिटेल्स होती हैं। तो आपको क्या करना होता है, इस तरह की उनमें डिटेल एंटर कर देनी होती है, इसको कहते हैं कि आपने लोड डाल दिया है ऐप में। अब क्या होगा, सेम ऐप फ्लीट ओनर यानी कि गाड़ी मालिक जो है वो भी यूज़ कर रहा है या उसका वर्जन है जो गाड़ी मालिक के लिए है, तो क्या होगा, जैसे आपने जो लोड डाला है उसको उस रूट पर जो भी गाड़ी मालिक होंगे लखनऊ से मुंबई रूट ऑपरेट करते होंगे वो जाकर के वहाँ पे ढूंढते हैं, उनको आपको आपका लोड दिखेगा, आपको वो फ़ोन करेंगे, अगर डील फाइनल होती है तो आपका काम हो गया है, आपको आपके लोड के लिए गाड़ी मिल चुकी है। अच्छा देखिए इस तरह के ऐप्स में अक्सर जो जेन्यून ऐप्स होते हैं उनमें दोनों ही एंड से वेरिफिकेशन हुआ रहता है, मतलब आप ट्रांसपोर्टर हैं, आपका भी आधार पैन और जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपके वहाँ पर सबमिटेड होते हैं। इसी तरह से फ्लीट ओनर का आधार पैन, गाड़ी की आरसी वगैरह जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वहाँ पर सबमिटेड होता है, ताकि इसमें क्या होता है कोई फ्रॉड की गुंजाइश नहीं रहती है। तो इस तरह से देखिए आपकी मार्केट में कोई पहचान नहीं है, किसी से आपका कोई कॉन्टैक्ट नहीं है, फिर भी आप इस काम को शुरू कर सकते हैं। अच्छा एक चीज़ और कि आप ये काम करेंगे कहाँ से, तो देखिए इस काम को करने के दो तरीके हैं। जैसे कि मैंने थंबनेल में बताया ना कि आपको एक चेयर यानी कि कुर्सी, टेबल और एक डायरी की आवश्यकता है, इन सब की आवश्यकता भी तब है जब आप मार्केट से, यानी देखिए हर ज़िले या शहर में एक ट्रांसपोर्ट नगर होता है, वहाँ पे अक्सर इस तरह के ट्रांसपोर्टर, कमीशन एजेंट, ब्रोकर अपना शॉप टाइप का ओपन किए रहते हैं, वहाँ पर आपको ढेर सारे ट्रक्स भी मिल जाएंगे, गाड़ियाँ खड़ी होती हैं, तो आप चाहें तो वहाँ से काम शुरू कर सकते हैं। उसमें भी आपका मैंने जैसे बताया ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं होना है, आपका एक टेबल, एक कुर्सी लगनी है और एक डायरी और मोबाइल फ़ोन तो आपके पास है ही इस तरह के ऐप्स वगैरह यूज़ करने के लिए। और हाँ एक छोटा सा लाइसेंस आपको बनवाना होता है जो कि RTO ऑफिस में आप जाकर के पता कर सकते हैं 1 से 2 दिन के अंदर, और मुश्किल से 2 से 500 रुपए के अंदर वो आपका लाइसेंस बन जाएगा, वो कोई भी बड़ा इशू नहीं है। तो आप चाहें तो इस तरह से काम शुरू कर सकते हैं। और दूसरा तरीका जो है काम को करने का, वो आप अपने घर से कहीं से भी कर सकते हैं या फिर कुछ आप और भी काम कर रहे हैं साइड में, आप पैसिव तरीके से इसको शुरू कर सकते हैं, बाद में आपको लगता है कि एक अच्छी खासी इनकम हो रही है तो आप जाकर के जो मैंने बताया मार्केट में ट्रांसपोर्ट नगर में इस तरह की शॉप लेकर के फिर रेंट पर आप कर सकते हैं। देखिए मार्केट में जाने का थोड़ा सा फायदा यह है
कि आपका रिलेशन अच्छा बनेगा, जल्दी बनेगा, और आपको क्या होगा कि बाद में इस तरह के ऐप्स पर आपकी डिपेंडेंसी जो है वो खत्म हो जाएगी। वैसे आप ऐप यूज़ करते रहिए, ऐप को छोड़ना नहीं चाहिए। मार्केट में आपकी कितनी भी पहचान बन जाए तब भी आप लोड्स यहाँ पर भी डालिए, जहाँ पर रेट आपको अच्छा मिले वहाँ से आप गाड़ियाँ लगाइए और वहाँ से भी आप पहचान बनाइए। देखिए, जैसे आपको ऐप्स के थ्रू अगर आपको फ्लेट ओनर मिला है, गाड़ी आपकी सेट हुई है, तो आपको क्या करना है, अगर आपकी गाड़ी लग गई है, डील फाइनल हो गई, तो उनका नंबर और सारी डिटेल्स उनकी नोट करनी है, ताकि अगली बार अगर उस रूट पर उस तरह का लोड आपके पास है तो आप उनसे विदाउट ऐप के थ्रू डायरेक्ट भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपका रिलेशन बनता जाएगा और धीरे धीरे आपके पास बहुत सारे इस तरह के फ्लीट ओनर्स मिल जाएंगे और बहुत सारे आपको इस तरह से लोड्स वाले भी मिल जाएंगे जो आपको डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अच्छा, हाँ, बताने में एक चीज़ थोड़ी सी मिसिंग हो गई। जैसे मैंने बताया कि आपको लोड वहाँ पर एंटर करना है, लेकिन आपको लोड मिलेगा कहाँ से? देखिए, आप ना तो फ्लीट ओनर हैं, ना तो आपके पास अभी गाड़ी है, ना ही आप कोई प्रोडक्ट बनाते हैं कि आपको, आपके पास माल है, आपको माल भिजवाना है। आपको क्या करना है, जो इस तरह के ऐप्स हैं इनका दोनों ही वर्जन अपने फ़ोन में इंस्टॉल करना है। मतलब आपको गाड़ी मालिक बन करके उन्हीं तरह के ऐप्स में आपको लोड्स भी ढूंढने हैं, उन लोड्स से डील आपको फाइनल करनी है बात करके, उन लोड्स को आपको उन्हीं तरह के ऐप्स में फिर से डाल देना है और वहाँ से आपको दूसरे गाड़ी मालिक मिलेंगे। मतलब आपको एक तरह से बीच का मीडिएटर बन जाना है और आपको अपना कमीशन वहाँ से निकाल लेना है। और शुरू में, जैसे मैंने कहा, आप कोई भी काम करते हो उसको मत भी छोड़िए, आप साइड में इस काम को शुरू कर सकते हैं। जैसे जैसे आपको लगने लगे कि एक ठीक ठाक इनकम आपकी बनने लगी है, तो आप जाकर के आप इसको मार्केट में भी अपनी शॉप ले करके भी कर सकते हैं। देखिए, इस तरह से अगर आपकी अगर हफ्ते में भी दो तीन गाड़ियाँ लग जाती हैं तो आप 20-25 हज़ार रुपये बड़े ही आसानी से कमा सकते हैं। और अगर आप ज़्यादा मेहनत करते हैं, ज़्यादा कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करते हैं, ज़्यादा लोड्स डालते हैं, ज़्यादा ड्राइवर से कॉन्टैक्ट करते हैं, तो आपकी अगर डेली बेसिस पर गाड़ियाँ लगती हैं तो जैसे कि मैंने बताया आपको, 3 से 10 हज़ार रुपये की आप डेली की कमाई कर सकते हैं। मतलब आपका लाख रुपए तो कहीं भी नहीं जाने वाला, और वो भी इस तरह के ऐसे काम में जहां आपको अपनी जेब से एक पैसा नहीं लगाना है। तो अगर आप कोई नया काम करने का सोच रहे हैं तो एक बार इस पर ज़रूर विचार कीजिएगा। तो बस ये कुछ था आज का अपना ये बिज़नेस मॉडल, जो कि बिल्कुल ज़ीरो इन्वेस्टमेंट पर शुरू होने वाला है। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है आपको समझाने की, चीज़ों को बताने की। फिर भी अगर कोई चीज़ रह गई है, आपके मन में कोई डाउट है, तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये बिज़नेस आइडिया आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।